Hello friends, my name is Gulshan Jha and welcome to my YouTube channel Career Media. Friends, कुछ fresh updates आए हैं, news आए हैं अलग अलग states से MBBS students और BDS students को लेकर के, तो हम लोग आज उसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या actually वो updates हैं. तो सबसे पहले कर्नाटका के लिए मैं और एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जो कर्नाटका के मॉप अप राउंड पहले 20th of August और 21st of August को होने वाली थी, वो अब रीशेड्यूल कर दी गई है और अब वो 23rd of August एंड 24th of August को होने वाली है. ठीक है, ये तो रही कर्नाटका की बात. आइए चलते हैं वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल से ये न्यूज़ है कि जो वेस्ट बंगाल की मॉप अप राउंड है वो 21st of August को होने वाली है और रिपोर्टिंग टाइम जो स्टूडेंट्स के लिए है वो है 8:30 AM. तो 8:30 AM तक आप लोग सभी सेंटर पर पहुँच जाए. ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मॉप अप राउंड में, उनके लिए भी एंट्री पास बहुत ज़रूरी है. बिना एंट्री पास के उनको एंट्री नहीं मिलेगी और ये एंट्री पास आप डाउनलोड कर सकते हैं वेस्ट बंगाल के वेबसाइट से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. उसके बाद बात करते हैं कि सेकेंड राउंड जब वेस्ट बंगाल की ओवर हुई तो उसमें कितने सीट्स मॉप अप राउंड के लिए वेस्ट बंगाल को दी गई है, और या तो आप ये कह सकते हैं कि कितने सीट्स और वेस्ट बंगाल में बची हुई है. तो उसके लिए जो अपडेट आया है वो ये है कि 149 सीट्स अवेलेबल है मॉप अप राउंड के लिए. तो जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है, उन्हें लगता है कि उनके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे रैंक हैं, तो वो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर अब आते हैं यूपी में. यूपी में देखते हैं क्या है. तो यूपी का जो मॉप अप राउंड है वो उसकी रजिस्ट्रेशन 2 बजे आज क्लोज हो चुकी है और जो मेरिट लिस्ट है वो शाम तक आने के चांसेस हैं. प्लस जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग है वो भी 20 अगस्त और 21 अगस्त को होने वाली है. 20 अगस्त को डोमिसाइल वालों के लिए होगा, मतलब जो यूपी के रहने वाले हैं उनके लिए होगा, और जो नॉन डोमिसाइल जो अदर स्टेट्स के हैं उनके लिए 21st of August को होगी. ठीक है, फिर सीट मैट्रिक्स के भी, जो यूपी का सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स है वो आपका आज शाम तक आने के चांसेस हैं. अब आ जाते हैं, बात करते हैं कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की. तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो चॉइस फिलिंग है मॉप अप राउंड की वो अभी चल रही है और शाम 5 बजे वो क्लोज हो जाएगी, और रिजल्ट भी उसका जो है सेकेंड राउंड का वो कल शाम 6 बजे तक आ जाएंगी. कल शाम मतलब 20 अगस्त 6 बजे तक आ जाएगी. ओके फ्रेंड्स, तो यही कुछ फ्रेश अपडेट्स, फ्रेश न्यूज़ थे अलग अलग स्टेट्स से अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए. तो प्लीज़ आप इन न्यूज़ को अपने फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें जिससे कि उन तक भी ये अपडेट्स पहुंच सके. थैंक यू सर.